गाइस माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम 10th एंड 12th के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए और 10वीं एंड 12वीं स्टूडेंट के लिए एक माँ खुशखबरी है। अब वो देखते हैं वो खुशखबरी क्या है, उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आप ये जान नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या खुशखबरी है। तो गाइस इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आपका कितना सिलेबस को रिमूव किया गया है और कौन कौन से जो टॉपिक है उसको हटाया गया है, इसके बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन बटन को प्रेस करे। एंड बिना लेट के ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कक्षा 10 के यानी कि कौन कौन सा जो सिलेबस है उसको हटाया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। ओके गाइस, तो कौन कौन सा भाग हटाया है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से कक्षा 10 का जो पुस्तक नाम व्याकरण है उसमें से कुछ टॉपिक है जैसे कि अपठित बोध है जिसका खंड 1 एंड व्याकरण व्यवहारिक क्रिया विश्लेषण कारक काल वाच्य, इनको खंड 3 में से इनको हटा दिया गया है। आप इनको नहीं पढ़ना। इसका जो PDF लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आप उस टॉपिक को देख सकते हो और टॉपिक को अपनी पुस्तक में उनको टिक कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। ओके गाइस, क्योंकि इसमें मैं सारे टॉपिक नहीं बता सकता क्योंकि बताऊँगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गाइस थोड़ा आगे आगे बात करते हैं, सेकेंड पुस्तक क्षितिज की बात करते हैं। तो क्षितिज पुस्तक में से कुछ टॉपिक है जैसे कि काव्यखंड में से बात कर जैसे सेनापति हैं, देव हैं, कृपाराम खिड़िया, ऋतुराज एंड गद खंड में से लक्ष्मी नारायण रंगा हैं, राम बक्स हैं, लोक संत पीपा हैं, लैंगिक असमानता में महिला उत्पीड़न, तो ये गद खंड है जिनको हटाया गया है, आप इनको देख लेना। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश की कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है जिनको हटाया है। तो जो इंग्लिश है इसमें से आपकी जो बुक है टेस्ट बुक जो गोल्डन रेज है उसमें से चैप्टर नंबर 2, 5, 7, 11 पॉइंट नंबर 4 इसको हटा दिया गया है, अब देख लेना। एंड टेस्ट बुक रिसोल्यूशन में से 3, 5, 7 एंड 10 इन चैप्टर को हटा दिया गया है, अब इनकी तैयारी आपको नहीं करनी। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट में तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान में बात कर सकते हैं परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, जैसे कि इकाई जो है उसका नाम है मानव शरीर एवं क्रियाएं, इसमें से जो चैप्टर नंबर है वो है मानव तंत्र। तो इसमें से ये कुछ टॉपिक जैसे तंत्रिकम, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र जो है इन इन टॉपिक को हटाया, तो ये मैं पूरे टॉपिक के बारे में बता नहीं सकता। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक है जो हटाया। दूसरी इकाई की बात करते हैं तो पदार्थ एवं क्रिया, इसमें से जो चैप्टर नंबर 7 है आपका चैप्टर नंबर 7 उसमें से भी कुछ टॉपिक जो हैं वो हटाए गए हैं। एंड चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से भी कुछ टॉपिक है उनको हटाया, आप उसको देख लेना। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक परिघटना इकाई में से जो आपका प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें से भी कुछ टॉपिक हैं जैसे कि नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण जो है वो ये आपको पढ़ने नहीं है। ओके गाइस, तो ये टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिए, ये आपको पढ़ने नहीं है। अब इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर लेना और वहाँ से देख लेना, मैंने PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो विद्युत धारा में से कुछ टॉपिक जो हटा दिए गए और 11 टॉपिक है कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसमें से भी कुछ टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो 13 नंबर का चैप्टर है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, इसमें से भी कुछ टॉपिक जो है वो आपको डिलीट किए हैं। एंड जो 16 नंबर का चैप्टर है ब्रह्मांड एवं जैव विकास, इसमें भी से कुछ टॉपिक जो है वो डिलीट किए हैं। एंड 17 नंबर जो आपका 20वें नंबर का जो चैप्टर है उसको पूरा ही हटा दिया गया है, उसके पूरे को ही आपको नहीं पढ़ना। ओके गाइस, तो इसका जो PDF लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना तभी आपको एक एक टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को हटाया है।
ओके गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जैसे कि सामाजिक विज्ञान, तो इसमें 2021 के लिए हटाया गया भाग जैसे कि स्वर्णिम भारत है, संघर्षकालीन भारत है, अंग्रेज साम्राज्य एवं प्रतिकार एवं संघर्ष, विश्व का इतिहास, तो ये तो कहे। दूसरा है राजनीतिक शास्त्र, तो राजनीतिक शास्त्र में से भी कुछ टॉपिक है जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, एंड तीसरा भाग है भूगोल जिसमें से भारतीय कृषि है, खनिजों में ऊर्जा है। तो ये चैप्टर दे रखे हैं, इनमें से कुछ टॉपिक है जो हटाए हैं उनको आप देख लेना PDF डाउनलोड करके। ओके गाइस, एंड जो आपका 13 नंबर का चैप्टर है वो पूर्ण अध्याय हटा दिया गया, उसको पूरे चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना। ओके गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। एंड भाग नंबर 4 है अर्थशास्त्र, इसके जो 14, 15, 16 और 17 जो चैप्टर है इसके भी कुछ टॉपिक है जो रिमूव किए हैं उनको आप देख लेना। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? नेक्स्ट सब्जेक्ट है गणित, जो गणित में कौन कौन से टॉपिक है जैसे कि वैद्य गणित है, तो वैद्य गणित में से कुछ टॉपिक हटाए हैं, सांख्यिक पद्धति में से बीज गणित है, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, इसमें से भी कुछ टॉपिक जो हैं वो रिमूव किए हैं। आप PDF फाइल को डाउनलोड करके वहाँ से देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक है जो पूरे इसके डिटेल दे रखी है इसमें से। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, ज्यामिति है तो क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता है, तो ये इकाई का नाम है और इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने ये आपको देख लेना। फिर बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और अपनी बुक में टिक कर लेना ताकि आपको सही से अच्छे से पता चल सके कि कौन से टॉपिक पढ़ने और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। ओके गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जैसे कि तृतीय भाषा संस्कृत, तो संस्कृत का जो कुछ पार्ट जो यहाँ से रिमूव किया गया वो देख सकते हैं आप, ये जैसे कि यहाँ से इकाई संख्या देख सकते हैं आप जैसे कि इकाई नंबर 1, 2, 3 इन व्याकरण, इनमें से जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, तो ये कुछ टॉपिक है जो रिमूव किए हैं उनको आप देख सकते हैं डिटेल में। इसकी PDF फाइल, PDF का लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, तो ये था 10वीं का जो सिलेबस जो रिमूव किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट वीडियो 12वीं के सिलेबस के ऊपर बना दूंगा। कमेंट करके बोल देना कि सर 12वीं के सिलेबस के बारे में भी वीडियो बना दो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इसको शेयर करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, आप पेपर दे रहे हो लेकिन सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, ये 2021 के लिए हटाया गया भाग, एंड आपके जो नंबर है पासिंग नंबर वो भी कम कर दिए, वो अब 26 रह गए, पहले 33 थे अब 26 रह गए। तो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, एंड इसको आप आगे शेयर करें। तो गाइस, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।